भैया 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 जैसे से हाथ उगड़ रही सबके तरफ से माल्यार्पण की जा रहा है। सबके तरफ से जितने लोग हमारी उपलब्धि वाले बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। करहिया मंडी में, जी हां, रीवा की करहिया मंडी में आज महापंचायत हुई। ऐसी महापंचायत रीवा ने शायद ही इसके पहले कहीं देखी ना होगी। 73 दिन से संयुक्त मोर्चा यहां पर आंदोलनरत था। आज किसान पंचायत के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत सहित उनकी पूरी टीम कृषि उपज मंडी में मौजूद थी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए केंद्र सरकार के लाए तीनों बिलों पर जमकर बरसी। वहीं सुहासिनी अली पूनेवाला जैसे संयुक्त मोर्चे के बड़े नेताओं ने भी जमकर केंद्र सरकार पर निशाना लगाया। आइए आपको सीधे लेकर चलता हूँ कृषि उपज मंडी और दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा था राकेश टिकैत के आने के पहले और राकेश टिकैत के आने के बाद। वहाँ का क्या माहौल था, क्या नेताओं ने क्या कुछ कहा, एक एक करके मैं सारे नेताओं की आपको बातचीत भी सुनाऊंगा और ख़ास तौर से राकेश टिकैत, सुहासिनी अली और पूनेवाला ने वहाँ पर क्या कुछ कहा ये आपको जरूर बताऊंगा। ये व्यापारी आ गए, इन्होंने कहा कि भूख पे व्यापार करेंगे, जितनी जनता को भूख लगेगी उसके आधार पे फसलों की कीमतें तय करेंगे। रोटी को बाजार की वस्तु बनाएंगे, रोटी को तिजोरी में बंद करेंगे, गरीब आदमी को भी मारेंगे। जिस तरह की तारबंदी दिल्ली के अंदर हुई किसानों को रोकने के लिए, उसी तरह की तारबंदी गोदामों के चारों तरफ की होगी। बंदर भी अंदर से रोटी नहीं जा सकता वहां से। कटिले तार, किले, बैरिगेटिंग, पक्की दीवारें, लोग भूख से त्रस्त होंगे। जो छोटा व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो 100 परिवारों को उधार सामान देता है, 2 मॉल एक शहर में खुलेंगे, पूरे के पूरे दुकानदार खत्म होंगे। जो साप्ताहिक बाजार है वे बाजार बंद होंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही है फूड चेन में, भोजन के उसमें, जो खुदरा व्यापार है उसमें, और वो कंपनी वो है वॉलमार्ट जिसके पास में 10,000 से भी ज्यादा पानी के जहाज हैं। उनका पहला टारगेट है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं इन साप्ताहिक बाजारों को बंद करा जाए। 4.5 करोड़ लोग हैं वे, वो बर्बाद होगा, पूरा मार्केट बर्बाद होगा। 60 लाख करोड़ रुपए का मार्केट पे इन बड़ी कंपनियों की नजरें हैं। अब आपको पता चल गया कि सरकार किसी पार्टी की नहीं है, ये तो लुट गया देश, ये उठना पड़ेगा आप सबको। ये लुटेरे आगे हैं देश में, इनका मुकाबला करना पड़ेगा लुटेरों का, और ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा, आखिरी बादशाह। बड़ा होना पड़ेगा नौजवानों को, इस साल सोना नहीं किसी को। 2021 का साल है वो आंदोलन का साल है, सब आदमी को आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों पर आना पड़ेगा, होंगे जेलें होंगी, लेकिन ये किसान, ये देश आजाद जरूर होगा। ये बंधन में है। हम गुजरात भी जा रहे हैं 4 और 5 तारीख में, गुजरात को भी आजाद करवाना, गुजरात भी बंधन में है पूरा। तो किसानों की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब क्या पार्लियामेंट की मंडी पे अपना गेहूं, धान, सारी चीज बेचेंगे? ये कान खोल कर सुन लो दिल्ली, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच दो, हमें मंडी के बाहर मिला। जो व्यापारी पार्लियामेंट के भीतर बैठे, रेट उन्होंने तय करा, उनके बाहर बेचेंगे बाहर। यह तो कानून बना दो, नहीं तो 5 लाख से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ आज भी किसान बैठा हुआ है। और हमने तैयारी कर ली, लंबी तैयारी हमारी भी है। हमने कहा कि समझौता जाकर होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में समझौता सरकार से होगा।
छुट्टी नहीं करते धरने की बात, हम के एक महीने में हो जाएगा तो हो जाएगा। हमें पता कि इस साल के लास्ट तक समझौता होगा, आंदोलन जब तक चलाने पड़ेंगे, आंदोलन जिलेवार चलाने पड़ेंगे। ये साल आंदोलन का है, अपना घर बार छोड़ के खेत और आंदोलन दो ही आपके काम होंगे, खेत और आंदोलन। अगर आज भी एमएसपी पे कानून नहीं बना तो अपना जो फसलें हैं आप आधे रेट में ताजी की बेचते रहोगे। जगह गई वे एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, धान कोई कुटे कटाई दे दो या कोई साबुत दे दो, वे धान थोड़ा मांग रहे, कोई चावल थोड़ा मांग रहे, कोई कमी है इन पे चावल की, वे चावलों में वोट मांग रहे। हमने कहा भाई चावल तो जरूर दे दो, लेकिन उन्हें एक बात जरूर कह दो कि भाई चावल का जो एमएसपी है भारत सरकार ने तय कर रखा है 1850 रुपया, वो इसकी कीमत दे दो और इस पर कानून बना दो। दिल्ली में धरना चल रहा, उनकी बात मान लो और इस पर कानून बना दो, क्योंकि वहां का जो बंगाल का धान है वो 800-900 रुपया क्विंटल बिक रहा, बिहार का 700 बिक रहा, उत्तर प्रदेश का 1000-1100 तक बिक जा, यही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी गेहूं 1200-1500-1600 रुपया बिक जाएगा। हाँ 1300 इनके डी ढालो गए बिना उसके ना काम चलेगा। एमएसपी से कम पे बेचना नहीं, नई मंडियां खुल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो जहां पे महंगा भी ले, तो आपके यहां पे भी नई मंडी खुल गई, एमएसपी से कम पे बिकागा नहीं। 1975 रुपए का रेट है और नई मंडी यहां पे है, ये तो दिल्ली में है, दिल्ली में आप अभी जा नहीं सकते भाई लेख है, लेकिन कलेक्ट्रेट है जो टीएमडीसी होता है ना आपका, उसके ऑफिस पे ले जाओ 1975 में पक्का बिकागा, जाओगे लेके अपना वहीं बैठो, कोई आप रोक के, कोई पुलिस के लोग रोक के, जो भी विभाग रोक के, वो एफसीआई वाला रोक के, पुलिस वाला रोक के, सेल टैक्स वाला रोक के, मंडी वाला रोक के, कृषि विभाग का कोई रोक के, डीएम एसपी कोई रोक के, तो वही अपना बैठ जाओ। तुमको भाई ये भारत सरकार का रेट है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच ले महंगे रेट में, जहां बिकेगा भैया तो डीएम के ऑफिस में बढ़िया मिला। भाई कलेक्टर जो होता है वही तो होता है सीधा, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व वही करता है, वही स्टेट का करता है, तो उससे बढ़िया कहीं मौका नहीं है। जब जब उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता कोई चीज तो कलेक्ट्रेट के वहां बिकता है, पूरे रेट में बिकता है। तो अब अपना जाना गेहूं लेकर वहां पे बगैर रोड़े रुके के कुछ नहीं होना, अपना वही बैठ दो, बिक जाएगा, एक दिन में बिक जाएगा, दो दिन में बिक जाएगा, 10 दिन में बिक जाएगा, बिक ही जाएगा, लेकिन जाना जरूर पड़ेगा। जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे या दिल्ली फिर कान खोल के सुन ले, जब पूरा निमटता हो जाए काम आ रहा था तो कोई बोला नहीं, जब बीएसएनएल गया तो उनके कर्मचारियों को यह लगा कि वे कितनी देर आंदोलन कर सकते थे, उन्होंने आंदोलन करा, वे वहीं दबा दिए गए। फिर बैंक वालों का आया तो बैंक वालों ने आंदोलन करा, वे भी वहीं दबा दिए, उनका एक बार ट्रांसफर कर दो, जो जबलपुर में उसका रिवा कर दो, रिवा वाले का भेज दो, वहां कर्नाटक में निमट गया केस। रेलवे वालों ने भी करा, रेल भी सारी बिकी, एयरपोर्ट वालों ने करा, उन्होंने भी कहा जी मारे तो हाथ में कुछ है नहीं, अगर ट्रांसफर इन्होंने आंसर दूसरा कर दिया तो हमारा भी निमट गया सारा ताम झाम बेच के, क्योंकि नौजवान जो था जो क्रांतिकारी था वो तो सो रहा आराम कर रहा, वो आराम कर रहा, देश बिक गया, वो सोता रहा और देश हो गया खाली। विपक्ष कमजोर था,
भाई एक आधी सीट तो हार उड़ जा, कमती पत्ती हो जा, सरकार नहीं आती, रोड़ा रुका करने का काम तो विपक्ष का बहुत था। उसने भी नहीं कुछ रोड़ा रुका करा, वो इतना मनोबल डाउन उसका कर दिया कि उसे बोलने नहीं दिया। उसके कुछ नेता भाग गए, कुछ जाकर वहां शामिल हो गए, एक आधा मजबूत सा था, यंग सा था, वे उन्हें शामिल कर लिए। उन्हें देखे भाई तारे में भी आफत आएगी, वे भी अपना चुपचाप बैठ गए। इन्हें फिर करा के एक व्यापार है दुनिया में। मनमोहन सिंह रहे प्रधानमंत्री, जब जब भी जरूरत हुई, अगर उनको भी जरूरत पड़ती थी किसी चीज की, तो वे बुलवाते थे, किसानों से बातचीत करते थे। जब देश में 2007 में गेहूं की कमी हुई तो टिकैत साहब को बुलवाया उन्होंने और उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा कि देश में गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, आपको फार्मूला कोई बता दो। एक घंटे की मुलाकात हुई, फार्मूला बताया। आज 14 साल हो गए, देश में गेहूं की कमी नहीं रही। मैं भी सरकारें थी जब भूमि अधिग्रहण एक्ट आया, उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सरकार कांग्रेस की थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन वो बीजेपी की बड़ी लीडर थी। हमने भी अपने दस्तावेज दिए तो सुमित्रा महाजन को दिए, क्योंकि वो चेयरमैन थी स्टैंडिंग कमेटी की। और एक बढ़िया भूमि अधिग्रहण एक्ट देश में बना। जब इनकी सरकार आई, आते ही उसी को चेंज करने की कोशिश करी, तीन बार भेजा हुआ।